आफ्टरनून फ्रेंड, आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है उत्तर वैदिकालीन राजनीति व्यवस्था या राजनीति दृष्टिकोण। इसका समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। इस समय ऋग्वैदिककालीन समाज में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी उत्तर वैदिककालीन समाज में ऋग्वैदिककालीन समाज की कबीलाई ढांचा में दरार पड़ चुकी थी। इस समय ऋग्वैदिक कालीन जनजातियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, या यह कह सकते हैं कि छोटी छोटी जनजातियां आपस में मिलकर बड़ी जनजातियों में परिवर्तित हो चुकी थी। इस तरह एक जन से जनपद का निर्माण हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में आर्य अस्थाई जीवन जीने लगे थे। इस तरह वह कृषि के साथ पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे थे, जिससे उनके आर्थिक स्रोत में वृद्धि हुई और राज्य यानी कबीले के राजा को एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में धन प्राप्त होने लगा। इस तरह एक नियमित कर व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में बलि के अतिरिक्त भाग और शुल्क शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे एक कर व्यवस्था के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ इन साहित्यों में भागदूत संग्रहति नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि इस समय के समाज में, यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज में राजकोषीय तंत्र विकसित हो चुका था। राज्य को एक नियमित आय कर के रूप में प्राप्त हो रही थी। उत्तरवैदिक साहित्य में राष्ट्रभक्त, विश्वमाता, सर्वभूमपति, भोज, एकराट जैसी उपाधियों का उल्लेख दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में कबीलाई मुखिया का स्वरूप, यानी राजन जनस्य गोप के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। वह अब एक कबीले का मुखिया न होकर कर एक जनपद या एक क्षेत्रीय इकाई का मुखिया बन चुका है, जिसके लिए यहाँ राजा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। राजा अपने समाज में विशिष्ट स्थिति बनाए रखने के लिए यज्ञों का आयोजन करता था, ताकि वह अपने स्वगोत्रीय बंधुओं से श्रेष्ठ दिखे। इस कार्य के लिए वह वाजपेय यज्ञ का आयोजन करता था और राजा को दैवी गुणों से विभूषित माना जाए, इसके लिए वह राजसु यज्ञ का आयोजन करता था तथा अपने क्षेत्र की विश्वास की स्वीकृति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। इस तरह हम देखते हैं कि राजा इस काल में शासक यानी राजा दैविक गुणों से अपने आप को भविष्यत कर रहा है। मतलब राजा की इस समय विशिष्ट पहचान बनकर उभर रही है। इस काल में जन से जनपद के उदय होने के कारण जनजाति समाज जन समाज में प्रचलित सभी परिषदों का पतन हो गया। इस समय सभा
में राजा समाज के धनी वर्ग और पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया और महिलाएं सभा से बहिष्कृत हो गईं। ऋग्वैदिक काल में सभा समितियां गण परिषदें इत्यादि परिषदें राजा पर या ये कह सकते हैं कबीलाई मुखिया पर नियंत्रण स्थापित करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन परिषदों के कमजोर होने के कारण राजा पर इन परिषदों का नियंत्रण कमजोर हुआ। अब लेकिन अभी भी समाज में 12 रत्नियों के रत्नियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे राज्य जिसमें जिनसे राजा सहयोग की अपेक्षा करता है। उल्लेख से प्राप्त होता है कि राजसूय यज्ञ के समय राजा इन रत्नियों के पास जाता है और हरवीय यानी उनको उपहार प्रदान करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि राजा प्रशासन के समय में सहयोग के लिए इनकी मदद आवश्यक मानता है। इस तरह ये पता चलता है कि इस काल में अभी ठोस सैन्य व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था और राज्य का जो स्वरूप कबीलाई बना हुआ था, यानी राज्य में कबीलाई तत्व अभी भी विद्यमान थे। धन्यवाद।